नमस्कार दोस्तों, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सौम्या जी। आइए जानते हैं बॉलीवुड की कुछ तमाम खबरें। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना की फिल्म मिशन मजनू का जबरदस्त टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म का निर्देशन शांतनु बागची ने किया है। यह फिल्म 20 जनवरी 2023 में रिलीज होगी। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ एक रॉ एजेंट का रोल निभाएंगे। टीजर में सिद्धार्थ पाकिस्तान में ही रह रहे भारतीय जासूस बने दिख रहे हैं, जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वहीं रश्मिका मंदाना भी इस फिल्म में नजर आएंगी। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म को लेकर अब देश के 7 राज्यों में विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में फिल्म पठान को लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। बिहार के मुजफ्फरनगर कोर्ट में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सहित 5 लोगों पर धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने और अश्लीलता फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की बेटी राहा को देखने के लिए उनके फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि जल्द ही फैंस को राहा की पहली झलक देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि राहा कपूर फैमिली के क्रिसमस लंच पर शामिल होगी, जहां उन्हें स्पॉट किया जा सकता है। एक्ट्रेस रघुलप्रीत सिंह को ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने समन भेजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अलग अलग मामलों में रघुल को समन भेजा गया है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रकुल को तलब किया गया है। उन्हें 19 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज रितेश देशमुख का 54वां जन्मदिन है। इस मौके पर भाईजान ने उन्हें एक खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है। आपको बता दें कि जल्द ही रितेश मराठी फिल्म वेड में दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में सलमान ने उन्हें बर्थडे विश करते हुए इस फिल्म के गाने वेड लवली की टीजर वीडियो फैंस के साथ शेयर किया है। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।